सर कैसी थी वेट? ठीक फिल्म है सर, मज़ा आया काफ़ी हद तक। कई सारी चीज़ें डिपेंड करेगा आपके ऊपर भी, शायद आपको ये फिल्म पसंद आती है नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की क्योंकि फिल्म है। वैसे हम सभी जानते हैं कि ये साउथ की फिल्म मजली थी मेरे ख्याल से, वो उसका रीमेक है, ये नागा चैतन्य समानता की फिल्म थी। मज़ा आता है, कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी होती है, वो बचपन का ही थोड़ा सा दिखा दिया उन्होंने, स्कूल टाइम का बताया स्टार्टिंग में। अगर आप देखें तो रितेश देशमुख और जेनेलिया जो स्कूल में पढ़ते हैं, जेनेलिया देशमुख को जो है रितेश के ऊपर क्रश रहता है, उसको पसंद करती है पर बोलती नहीं, कोई बताती नहीं, कुछ मालूम नहीं रहता। ये क्रिकेट वगैरह खेलता है, ठीक है, इसको किसी और लड़की से खूबसूरत लड़की रहती है, थोड़े से अमीर घर की, थोड़े अच्छे घर की रहती है। ये लोग क्या लोअर मिडिल क्लास की पूरी कहानी है इन लोगों की, ठीक है। तो उसको एक अच्छे घर की लड़की रहती है, उससे प्यार हो जाता है, उसको भी लड़की को भी प्यार रहता है, सारी चीज़ें आपस में उनका चलता रहता है। लेकिन वो थोड़ी सी चीज़ें होती है, घटनाएँ होती हैं, वो पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो फिर वो होता है, तो फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं, लड़की का उनका लड़की का बाप को मालूम चल जाता है, लड़की का बाप उस लड़की की शादी कहीं और करा देता है। तो ये जो रितेश जो रहता है, ये उसके बाद जो है फिर वो दारू और वो सिगरेट विगरेट पीने लगता है और वो करके पूरा नशे में लिप्त होने लग जाता है, थोड़ा कबीर सिंह टाइप से आप कह सकते हो, वैसा एग्जैक्ट नहीं कबीर सिंह जैसा, लेकिन वो नशे वशे में लिप्त होने लगता है। इधर ये लोग फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, जेनेलिया जो है उसकी थोड़ी सी नौकरी, मतलब उसकी जो है एक नौकरी लग गई है ठीक ठाक सी, मतलब जो एक लोअर मिडिल क्लास लोग नौकरी करने लगते हैं उस हिसाब से उसकी नौकरी लग जाती है, वो तो अच्छा पढ़ लिख लेती है, वो इन चीज़ों में नहीं रहती, लेकिन पसंद वो आज भी उसको करती है। फिर वो दोनों फिर दोबारा मिलते हैं रितेश जेनेलिया, फिर इनके बीच में बातचीत होती है, वो थोड़ा सा क्लोजनेस आने लगती है। फिर वो अपने बाप से कह देती है, अपने घर पर कह देती है जेनेलिया कि मैं इससे शादी करूँगी रितेश से, उनका घर वाले मना कर देते कि ये तो बेवड़ा है, क्या है क्या नहीं है, और वो शुरू से मतलब आसपास रहते हैं, वो एक दूसरे को सब जानते हैं, तो उसका उनके घर वाले कहते थे कि ये तो बेवड़ा है, इसके साथ कौन शादी करेगा, तो ऐसा वैसा करके मैं तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। फिर वही सारी बहुत सारी वही ड्रामा, इमोशनल ड्रामा, वो सारी चीज़ें चलती हैं और आपस में फिर ये दोनों मिल जाते हैं, फिर दोनों की शादी हो जाती है। फिर शादी होने के बाद और कई सारी चीज़ होती है, और फिर कुछ और होती है जो उसकी जो पुरानी जो गर्लफ्रेंड थी उससे रिलेटेड एक चीज़ होती है, वो आप फिल्म में जाके देखो तो आपको फिर रहेगा। फिर ऐसे तो मैं सारी कहानी बता दूंगा तो मतलब क्या रह जाएगा, लेकिन मज़ा आएगा। आप 5 में से मैं जो है फिल्म को 2.5 स्टार दूंगा, मज़ा आया। सलमान भाई का कैमियो अच्छा है, गाने में नज़र आते हैं और वो ऐसे भी उनका कैमियो, तो मज़ा आएगा। ओवरऑल आप देख सकते हो, अगर सलमान भाई को देखना चाहते हैं तो, या रितेश जेनेलिया की केमिस्ट्री देखना चाहते हैं तो।